हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे कटहल की पकौड़ी बनाने के बारे में। कटहल की बॉयल वाली पकौड़ी बनाने के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने लिया था आधा किलो कटहल और उसे हमने बॉयल कर लिया है कुकर में दो सीटी लगाने तक। बॉयल करते समय हमने नमक डाला था। अब उसे अच्छे से हमने देखिए साफ करके रख लिया है, मतलब उसकी जो मोटी स्किन होती है कटहल की उसे निकालने के बाद में अलग करके रख लिया है। ये बॉयल कटहल आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए बताते हैं कि इस पकौड़ी को हमें बनाना कैसे है और कौन कौन सी सामग्री हम इसमें यूज़ करेंगे इसके टेस्ट को और भी अधिक बढ़ाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए, हमने कटहल को एक परात में डाल लिया है क्योंकि कटहल की मात्रा हमारी ज़्यादा थी। अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी चने का बेसन। ये देखिए, चने का बेसन बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो आप वही ऐड करिएगा। अब इसी कटोरी से, थोड़ी सी छोटी कटोरी है, उस कटोरी से एक कटोरी हमें चावल के आटे को डालना है। ये देखिए, एक कटोरी छोटी है उसे। अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच मक्के का आटा। ये सब चीज़ें हम स्वाद को बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। कोई भी ऐसी चीज़ हम ऐड नहीं करते हैं जिससे आपको नुकसान हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से हम मैश करेंगे। हाथों से बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है। इस तरह से हमें इसे मैश करना है और अलग से पानी ऐड नहीं करना है हमें, क्योंकि हमने इसे बॉयल किया हुआ है। तो कितने भी अच्छे से अगर आप निकालते हैं तभी कुछ ना कुछ पानी या नमी उस कटहल में रह जाती है, तो इसलिए हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। इसी तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें ऐड करने के लिए। देखिए कितने अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब चलिए बताते हैं क्या डालेंगे। अजवाइन 1 चम्मच। अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और स्वाद के लिए भी अच्छी होती है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच। इसके बाद में हम डालेंगे 2 चम्मच कूटा हुआ लहसुन। देखिए, कूट के रखा है हमने, इसमें डाल देंगे। इसके बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार और हरी मिर्च। 5 हरी मिर्च को हमने कट किया है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही कट करिएगा, जैसा आप खाते हो, कम तीखा ज़्यादा तीखा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपके कटहल में बीज हो तो बॉयल करते समय बीज को निकाल के तभी बॉयल करिएगा, वरना वो पकौड़े में अच्छा स्वाद नहीं देते हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा पकौड़ा बनाते समय। फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा पूरा कटहल अच्छे से सारे मसाले के साथ, बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए, कोई भी चीज़ अलग सी नहीं दिख रही है। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें रखेंगे तेल को गर्म होने के लिए। देखिए दोस्तों, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पकौड़े को तलने के लिए, लेकिन हमने सरसों का तेल यूज़ किया है। कटहल की पकौड़ी जब भी बनाएं सरसों के तेल में ही बनाएं, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। हमने आपको बता दिया है, बाकी आपकी चॉइस है, जिस भी ऑयल में चाहें बना सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बेस्ट है। तो ट्राई करिएगा एक बार और कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से सारे पकौड़े को डाल देना है। एक बार में उतने ही पकौड़े डालें जितने आप पलटने में कंफर्टेबल हों। हमें आदत है तो हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कुकिंग में नए हैं तो थोड़े थोड़े ही डालें ताकि आपको आइडिया रहे कि कब उसे पलटना है। जब नीचे का थोड़ा सा सख्त हो जाए उसके बाद में इसे पलट लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने पलट लिया। एक साइड थोड़ा सख्त हो जाए तो पलट दीजिएगा। ज़्यादा देर वेट करेंगे तो आपके पकौड़े नीचे से जल सकते हैं, तो थोड़े देर पे ही पलट लीजिएगा। इस पकौड़े को हमेशा आप फुल फ्लेम पे ही पकाइएगा, लगातार चलाते हुए
ताकि ये पकौड़े जले नहीं। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारे पकौड़े। ये देखिए, इस तरह से जब हो जाए आपके पकौड़े तो समझ लीजिएगा एकदम अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमें सारे पकौड़े को तल लेना है। इसे निकालने के बाद में, पकौड़े निकालने के बाद में थोड़ी देर आप जैसे 2 से 3 मिनट वेट करिएगा ताकि तेल फिर से अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद ही डालिएगा। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारे कटहल का पकौड़ा, मतलब उबले हुए कटहल के पकौड़े। आप भी इस तरह से बनाकर जरूर खाइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।